किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है ये इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी। और जैसा किसानों ने कहा था कि आज वो दिल्ली कूच करेंगे, उसके बाद 10 मार्च को वो ट्रेन्स को रोकेंगे और फिर उसके बाद महापंचायत होगी। इसको देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी है, कुछ इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई है। दरअसल इसमें सूचना ये मिली थी पुलिस को कि छोटे वाहनों में और प्राइवेट वाहनों में किसान आ सकते हैं, बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आ सकते हैं। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों से, देश भर से किसान दिल्ली में इकट्ठा हो सकते हैं। इसकी वजह से हमने देखा कि बॉर्डर पर तो सिक्योरिटी टाइट है, चाहे हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर भी सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है ताकि परिंदा भी वहाँ पर पैर ना मार पाए। लेकिन इससे पहले जो हमने देखा था कि ट्रैक्टर्स लेकर के, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर के किसान इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के वो दिल्ली पहुँच सकते हैं। इसको लेकर के सुरक्षा यहाँ पर कड़ी कर दी गई, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। किसानों की लगातार सरकार से 4 दौर की अभी तक वार्ता हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी मांग जो किसानों की वो ये है कि MSP पे गारंटी कानून। इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि हर फसल पे MSP पर गारंटी देना संभव नहीं है, कुछ फसलों पर दी भी जा रही है। ऐसे में बैठ करके विचार किया जाएगा, किसान अन्नदाता है और किसी भी समस्या का समाधान वार्ता के जरिए, संवाद के जरिए हो सकता है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है, जो पंजाब के किसान हैं शंभू बॉर्डर पर हैं, शंभू बॉर्डर जो कि पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है, वहां पर हमने देखा कि किसानों ने डेरा डाला हुआ है। 23 दिन से लगातार किसान आंदोलन पर हैं, इकट्ठा हुए हैं, उनकी कई सारी मांगें हैं जिसमें पेंशन की मांग भी शामिल है। MSP पे गारंटी के अलावा किसान चाहते हैं कि उनको पेंशन दी जाए। इसके अलावा बहुत सारी मांगें हैं, कुछ मांगों को सरकार ने माना भी है, जिसमें हमने देखा कि केंद्रीय कृषि मंत्री, इसके अलावा 3-3 केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद रहते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भी बैठकों का हिस्सा बनते हैं। पर जो यहाँ पर टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई थी कि इसमें तो किसी भी देश में नेशनल हाईवे में इस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आप विरोध नहीं कर सकते हैं, अगर आपको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है तो फिर आप जाएं दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर जाएं, लेकिन बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जाएं, बसों से जाएं और इस तरीके से यहाँ पर माहौल को ख़राब ना किया जाए। तो ये एक किसानों का था कि कई सारे इसमें किसान संगठन हैं जो शामिल हैं कि वो दिल्ली जाएं, इसी वजह से वो बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली थी। हालांकि उनका जो आह्वान था वो 12 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक था, पर कोई बड़ी तस्वीर देखने को नहीं मिली है क्योंकि बहुत सारे किसान नहीं पहुँचे हैं। लेकिन अभी किसान संगठनों का यही कहना है, जो किसान नेता है सरवण सिंह पंढेर जो उसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कितने किसान पहुँचे हैं, कितने किसानों का उन्हें अभी तक समर्थन मिल रहा है, वो स्थिति 10 मार्च तक साफ हो पाएगी। उसके बाद 10 मार्च को वो बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि इसमें हरियाणा के किसान नहीं थे, लेकिन इसमें सरवण सिंह पंढेर की तरफ से ये कहा गया कि पुलिस की तरफ से परेशान किया गया किसानों को और उनको धमकियां दी गई हैं, केसेस उनके ऊपर किए गए हैं, इस वजह से डर के मारे वो साथ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो पंजाब के किसान हैं शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं, वो हिले नहीं हैं। और हमने देखा, हमने वो तस्वीरें देखी कि जो अपना वो राशन पानी सारा सामान लेकर के सारे बंदोबस्त करके आए थे कि अगर उनको लंबा समय यहाँ पर बिताना पड़े तो वो बताएंगे। हमने पिछली बार देखा था जब कृषि कानूनों की वापसी के समय आंदोलन हुआ था राजधानी दिल्ली में, तो काफ़ी महीनों तक वो आंदोलन रहा था और ऐसे में उस वक्त मुद्दा दूसरा था, उस वक्त कृषि कानूनों की वापसी का मुद्दा था और जिस तरीके से किसान इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ऐसा संभवतः पहली बार देश में आंदोलन हुआ था। लेकिन अब की बार चाहे हम बात करें हरियाणा सरकार की या फिर हम बात करें दिल्ली में, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। पहले ही हमने देखा कि बैरिकेडिंग कर दी गई है, हालांकि आम लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आम लोगों को जो अपनी मंजिल तक पहुँचना होता है, जो पिछली बार दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था, तो फिर आम लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, कई सारे रूट्स राजधानी दिल्ली में भी डाइवर्ट किए गए थे और ऐसे में लोगों को बड़ी बड़ी परेशानी होती है। अब सरवण सिंह पंढेर ये कह रहे हैं कि आंदोलन ही उनके पास एकमात्र रास्ता बचा है, लेकिन आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि कितने किसान पहुंचे हैं, अगर वो निजी वाहनों से पहुंचे हैं तो फिर उनका आंकड़ा आएगा, या वो क्या बड़ा करने वाले हैं, या धीरे धीरे करके किसान पहुँच रहे हैं, किसी रणनीति के तहत वो यहाँ पर सब आ रहे हैं। लेकिन जो उनकी मांगें हैं, कुछ मांगों को माना गया है, पर MSP पे गारंटी कानून जिस पर पेच फंसा हुआ है और सरकार ये कह रही है कि दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले हैं, वो हर समस्या का समाधान करेंगे क्योंकि किसान इस देश के अन्नदाता है, और ऐसे में हर मांगों को मानना या फिर धमकी के जरिए, क्योंकि हमने देखा कि कुछ इसमें उपद्रवी तत्व मौजूद रहते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, जिस वजह से आम किसान की आवाज़ दबी रह जाती है, ये हमने देखा। तो ऐसे में जब टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था पुलिस को, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा था हरियाणा पुलिस को, तो ये कहा गया था कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस पर भी हमला कर रहे थे। वो कौन लोग हैं जो इसमें अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं,
या फिर वो कौन लोग हैं जो मोहरा बना रहे हैं, ऐसे कई सारे सवाल उठे थे। और इस पर पंजाब सरकार पर भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी, क्योंकि पंजाब सरकार के बारे में ये कहा गया कि वो किसानों को इकट्ठा होने क्यों दे रही है, वो उनको क्यों नहीं रोक रही है। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहते हैं कि वो खुद मीटिंग में शामिल रहे, वो किसानों की बात को सुन रहे हैं और वो किसानों के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल भी ये कहते आए हैं कि वो किसानों के साथ हैं। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी तो है, लेकिन अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के इस तरीके से, जो पिछली बार हमने तस्वीर देखी थी कि इकट्ठा हुए थे, या फिर यहाँ पर रोकने के बावजूद, पुलिस के रोकने के बावजूद आप बैरिकेटिंग को फाड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर पुलिस एक्शन लेती है और पुलिस को कार्रवाई करनी होती है। इसी रणनीति के तहत इस बार पूरी तरीके से हम कहें कि छावनी में तब्दील किया गया है तमाम बॉर्डर्स को, चाहे हम बात करें सिंघू बॉर्डर की, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों की वापसी के समय वहाँ पर तंबू गाड़ा हुआ था, वो तस्वीर हमने देखी, तब कितनी दिक्कतें पेश आ रही थी। हालांकि सिंघू शंभू बॉर्डर से दिल्ली का रास्ता आसान नहीं है किसानों के लिए, लेकिन अगर किसान किसी खास रणनीति के तहत बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए देश भर से अलग अलग किसान आते हैं, तो फिर परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी, परेशानी सरकार के लिए भी बढ़ेगी, परेशानी आम लोगों के लिए भी बढ़ेगी। लेकिन आज जो बड़ा ऐलान किया गया था, 12 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था देश भर में किसानों की तरफ से, कुछ वैसी बड़ी तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली है। पुलिस की तैयारी पुख्ता है शायद, और बाकी किसानों का समर्थन भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कौन कौन से ऐसे किसान संगठन हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, ऐसे कौन कौन से किसान हैं जो साथ दे रहे हैं, क्योंकि नुकसान होता है अगर इतने लंबे समय तक आप धरने पर बैठते हैं, ऐसे आंदोलन करते हैं अपना काम छोड़ करके, तो फिर आप कैसे अपना खर्चा निकाल पाएंगे, ये सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो राजनीतिक हित साधना चाह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 10 मार्च के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और जो हमने देखा था कि कुछ प्रतिक्रियाएँ भी किसान नेता की तरफ से सामने आई थी, जिसमें कहा था कि मोदी का ग्रैब बढ़ रहा है, उसको कम करना है, तो इस तरह की जब प्रतिक्रियाएँ सामने आती है तो फिर माहौल ख़राब होता है, और इस पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज की गई थी। लेकिन अब अगर जो किसान कह रहे हैं कि 10 मार्च को वो ट्रेन्स को रोकेंगे, रेल को रोकेंगे, तो क्या सवाल ये खड़ा होता है कि एकमात्र तरीका यही है ट्रेन्स को रोकना? वैसे भी ट्रेन में कंफर्म टिकट होना आसान नहीं होता है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जिन लोगों को जाना है अपनों से मिलने के लिए, मंजिल तक पहुंचना है, कुछ ज़रूरी काम है, उनको कितनी परेशानी होगी, और महापंचायत जब होने वाली है 10 मार्च के बाद, उसके बाद क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, और इसको लोकसभा चुनावों से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अप्रैल मई में कभी भी चुनाव हो जाएंगे जब तारीखों का ऐलान होगा 10 तारीख के बाद, उसके बाद क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है, सियासी तस्वीर क्या निकलती है, इसमें सरकार क्या फैसला लेती है, कृषि मंत्री क्या कहते हैं, किसान नेता क्या सरकार की बातों को मान जाते हैं, या फिर किसान अपनी बात सरकार से मनवा लेते हैं, ये देखना होगा। उसके लिए तमाम अपडेट्स जो हैं हम आपको पहुँचाते रहेंगे कि इस वक्त क्या तस्वीर बन रही है, और जो इन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया था किसान संगठनों ने, इसका कितना असर देश भर में देखने को मिला है।